पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे जो भी आपके देखो गोल्ड सीरीज आपकी कंप्लीट करवा दूंगी, इजी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एग्जाम तक आपका सब हो जाएगा। उसी श्रृंखला में हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं क्या, तो लेकर के आए हम आपको गणित शिक्षण के पवन सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो, यानी कि मैथ्स पैटागोजी की कंप्लीट क्लास होगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे सब आज के इस क्लास में करवा देंगे। तो इसी के साथ में एक बार चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर दीजिएगा। पीजी पॉइंट ऐप से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। गणित का आधार है स्थान, मापन, संख्याएं या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 क्या है पूछा गया मैथ्स का, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी, स्थान, संख्याएं, मापन, सभी। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, ये अलंकारिक है, ये कठिन है, ये तार्किक है या ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, बताइए फटाफट से। प्रश्न संख्या 2, तो एक एक्सप्रेस वे में थोड़ा सा हम टेस्ट लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी वाला आपका, आप लोगों को फटाफट से आंसर करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गणित है वो आपकी उसकी प्रकृति कैसी है, तार्किक है यानी लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। स्किनर ने कहा, हागवेन ने कहा, लॉक ने कहा या बेंजामिन पेरिक ने कहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए कि ये बात किसने कही कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक क्या होता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये बात कही थी आपके बेंजामिन पेरिक ने, या फिर इनका नाम आपका शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ है, पियर्स दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या होता है, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखो जरा कैसे याद रखोगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये विज्ञान दिया तो वहाँ से शुरू होगी, वैसे या भी याद रखो, बेंजामिन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बालक के सर्वांगीण के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण बन जाता है। छात्र सभी विषय को महत्वपूर्ण मानता है। छात्र संचित विषय को नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। उपर्युक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 4, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सहसंबंध होना चाहिए, ये सभी एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं, प्रश्न संख्या 5। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं, है ना। फिर देखो जरा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है और यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है, कौशल की, अनुप्रयोग की, पूर्व ज्ञान की या अवबोधन की। क्वेश्चन में था कि जो बच्चा होता है वो गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, तो ये गणित के कुछ उद्देश्य की प्राप्ति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपकी ऑप्शन डी, अवबोधन की प्राप्ति है। गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, शक्तिशालियों की शक्ति या फिर मस्तिष्क का व्यायाम। प्रश्न संख्या 7, तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं मस्तिष्क का व्यायाम, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसका है, ड्यूट का है, डटन का है, बेकन का है या फिर प्लेटो का है। प्रश्न संख्या 8, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, डटन ने कहा था। किसने कहा था, डटन ने ये बात कही थी कि भैया देखो, जब भी आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि जब आप वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियल, है ना, मतलब सच्चा, तो जब आप रियलिटी बोलते हो तो आप अपनी बात पे क्या रहते हो, डटे ही रहते हो, इस वजह से इसका आंसर डटन सही हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरण को हल करना, बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये आपका एक व्यवहारिक गणित का भाग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा
का है, समाज है, विज्ञान है, समूह है या फिर प्रयोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विज्ञान है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का या ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी का। वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 12 बताइए। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में भी प्रस्तुत कर लेता है उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, शैक्षणिक उद्देश्य। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये बात किसने कही थी? बेकन ने, हॉगबेन ने, लोके ने या ब्रेटन ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हॉगबेन ने ये बात कही थी कि गणित जो है वो संस्कृत का क्या है? दर्पण है, मिरर है। प्रश्न संख्या 14 देखो जरा। प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है धार्मिक, मानसिक, सांस्कृतिक या सामाजिक? पूछा गया प्राथमिक स्थान पर, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, मानसिक। क्वेश्चन है, मानव जीवन की गतिविधियों के लिए एक गणित का अधिकांश उपयोग है किफायती, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या सामाजिक? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। यानी कि मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग कैसा है? मनोवैज्ञानिक। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, इससे बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, इसकी प्रकृति मूलतः जो है वो अमूर्त है। ऑप्शन फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्म चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास करता है। तो ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने कही थी कि भाई गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का भी विकास करता है। ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के लिए या फिर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु? क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य का महत्व आपका ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न एवं संपत्तियों की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह आपकी कौन सी अवस्था है? संक्रियात्मक है, परिणामात्मक है, आरंभिक अवस्था है या फिर विभाजन आजमक अवस्था है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन है, संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्र को गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, राष्ट्रीय आपकी शिक्षा नीति 1986 या फिर राधा कृष्ण का? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, शिक्षा नीति 1986 का। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। ऑप्शन ए है आपका व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ऑप्शन बी है आपका मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऑप्शन सी है आपका जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, ऑप्शन डी आपका आनंद की प्राप्ति ना हो। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर देखो जरा 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। NCF 2005 मानता है कि गणित सूचना एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, नीचे दिए गए कथनों व कथन चुनिए और जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है कि उसे पढ़ाने की विधि। ऑप्शन बी है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को आधार को निर्धारित सूत्र बताना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित में कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा रहा है, संख्या चार्ट, कंप्यूटर या फिर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट या फिर टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड या फिर कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है आपका, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, दृश्य स्थानिक संगठन में समर्थता या फिर पठन अक्षमता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, गणितीय अक्षमता। प्रश्न संख्या 25 देखो जरा, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या है, कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल का पहचान और सही सक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णता सही, है ना, गलत जो है वो आंशिक रूप से, सही जो है वो पूर्णता सही। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्याओं का गणितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है आपका, तो उसमें असमर्थता हो सकती है आपकी गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया की। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक आपके कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। प्रश्न संख्या 26 देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए आपका, तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए, यदि छोटी कक्षाओं की बात की जाए। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस विधि में प्रयोग होता है, तो निगमन विधि में आपका प्रयोग होता है, कौन सा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट है, गणित में किस विधि का हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निगमन विधि। निगमन विधि के विषय में अगर हम बात करें तो ये आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ठीक है, और ये आपकी रटने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, गणित शिक्षण में क्षेत्रमिति पढ़ाते समय, क्षेत्रमिति समझ रहे हैं ना, समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, ये तरीका किस विधि या उपागम को दर्शाता है, तो सीधी सी बात है, सूत्र लिख दिया मतलब नियम लिख दिया, तो मतलब निगमन विधि। ठीक, नेक्स्ट, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है, तो आगमन विधि आपके ऑप्शन बी, सूत्र स्थापित करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग कहाँ से जाते हैं आगमन विधि में, तो उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, सूक्ष्म से, देखो इसमें हम लोग चलते हैं पहली बात तो उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और उसके बाद में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये तीन पॉइंट हो गए, और उसके बाद में ये आपकी रटने की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं होती है आजकल के, मतलब ये बहुत उपयोगी विधि होती है, इसमें बच्चा अच्छे से सीख सकता है, ये क्रियाशील विधि आपकी होती है। खेल विधि के जन्मदाता आपके कौन है, तो फ्रॉबल। निम्न में से बालक केंद्रित विधि कौन सी नहीं है आपकी, तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि जो है वो आपकी बालक केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। फिजिकल साइंस के पेपर में यही दो क्वेश्चन तो सेम पूछे गए थे, यही व्याख्यान विधि से संबंधित, और उसमें आंसर था तब आपका क्या, कि भाई व्याख्यान विधि आपकी जो होती है वो किसका केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित, वहाँ पर पूछा गया था घुमा के। देखो क्वेश्चन क्या है कि सेम टू सेम नहीं मिला बच्चों को, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अब वहाँ पर ये नहीं पूछा गया था कि इनमें से व्याख्यान विधि किस पर आधारित है, बालक पर, शिक्षक पर, उसमें पूछ लिया क्या, शिक्षक केंद्रित विधि इनमें से कौन सी है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, यानी दो क्वेश्चन तो आपके इसी विधि से थे, व्याख्यान से, बाकी चार क्वेश्चन आपके आगमन निगमन विधि का एक क्वेश्चन आया था, सूक्ष्म शिक्षण विधि के आपके दो तीन क्वेश्चन आए थे, है ना, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिले थे पेपर में। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य का मतलब गलत है, तो आपका ऑप्शन डी, कि इस प्रणाली में शिक्षण कौशलों में वृद्धि के लिए पृष्ठ पोषण का कोई स्थान नहीं है, ये आपका गलत है। तो सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, ये भी सही है। सूक्ष्म शिक्षण का कार्य जटिल शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है, और इस प्रणाली में निपुणता यानी स्किल्स पर बल दिया जाता है, एकदम सही है। सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यालयों में जाकर
वास्तविक अध्यापन करवाना होता है। ये क्या है? ये इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाए। अब पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन ऐसे कि सूक्ष्म कि किस प्रशिक्षण प्रविधि में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन होंगे तो आप क्या लगा कर कहेंगे? सूक्ष्म शिक्षण। इसमें शिक्षण में निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने पर बल रहता है और इसमें छात्र अध्यापक के अध्यापन में प्रतिपुष्टि द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर क्या 35 क्या कह रखा है? सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया, कुछ ने नहीं, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ? तो ये आपको ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, अमेरिका में हुआ। और कब हुआ? तो 1961 में हुआ। कहाँ और कब हुआ अगर पूछा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग? तो अमेरिका में 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, ये भी प्रश्न आया था कि प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित है? तो 5 मिनट से निश्चित है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आया था। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी दिया हुआ यहाँ पर आपका 45 मिनट। नेक्स्ट देखिए जरा, सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। ये आपका क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का दोष है आपका कि प्रतिपुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आपका सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। बाकी सूक्ष्म शिक्षण के दोष क्या नहीं है? तो वास्तविक कक्षा कक्ष परिस्थितियों में सफल नहीं, पर्यवेक्षण का अभाव पाया जाता है, और शिक्षण अवधि का ज़्यादा होना, ये आपकी क्या है? दोष है। और क्या दोष नहीं है? तो प्रतिपुष्टि के लिए कोई स्थान रूप नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है क्या? होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये आत्मक क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो समस्याएं अनुभव जन्य होती हैं। ये आपका क्या है? क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है आपका? तो 8 चरणों में होता है आपका। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो परव्यक्ति नहीं आता है। क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है आपका? तो क्या कहलाता है आपका? पूर्व उत्तर। नेक्स्ट देखिए जरा, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो समिष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है आपका? साक्षात्कार, प्रत्यक्षण, प्रश्नावली या फिर अवलोकन, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रत्यक्षण। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक आपके कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। उसके बाद अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के जन्मदाता माने जाते हैं आपके कौन? तो बीएफ स्किनर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर से अभिक्रम का नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत जो है वो आपका स्किनर के अभिक्रम का नहीं है। बाकी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत, तुरंत जांच या प्रश्नपोषण का सिद्धांत, ये आपके स्किनर के। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है आपका? तो मृदुल शिल्प है। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूहरचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और उसका मापन भी किया जा सकता है। ये परिभाषा आपकी किसने दी थी? तो सुषन मार्कल ने दी थी। अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या आपकी कितनी है? तो 5 है। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मार्कल को जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षक अपनी कक्षा में विषय वस्तु के बाहर शिक्षण के लिए जो योजना बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना में शिक्षक अपने विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। ये परिभाषा है आपकी सिम्पसन की। पाठ योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का भी, विषय के ज्ञान होने का भी, और पाठ योजना कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 59 की बात करें तो पाठ योजना के संबंध में असत्य कथन आपका क्या है? कि ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण के समय विस्मृति की संभावना अधिक रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना क्यों आवश्यक है आपका? तो अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक व मित्र का कार्य करती है। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन एवं प्रयोग के अवसर देती है। चिंतन में क्रमबद्धता व विकास के लिए आवश्यक है और उपर्युक्त सभी। प्रभावी पाठ योजना की विशेषता नहीं है आपकी, तो क्या नहीं है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है, प्रभावी पाठ योजना की ये विशेषता नहीं है आपकी। उसके बाद में क्या, पाठ योजना में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ से प्रश्न पूछते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बोध प्रश्न। क्या कहते हैं, बोध प्रश्न। इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया था, तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया था। इकाई शब्द का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, थॉमस एफ रिस्क ने किया। दैनिक पाठ योजना का सिद्धांत कौन सा है आपका, तो संबंध का, स्पष्टता का और व्यवस्था एवं प्रयोग का, इन सब का है। दैनिक पाठ योजना के सिद्धांत का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया था। अर्धवार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई इकाई क्या क्या होती है, तो आवश्यकता पर आधारित इकाई है। प्रत्येक दैनिक पाठ योजना की समाप्ति के बाद लपटे फलक के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वह क्या कहलाता है आपका, तो पाठांतरगत मूल्यांकन कहलाया जाता है। एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यचर्या संगठन है आपका, तो क्षैतिज विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय या विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है आपकी, तो सिलेबस कहलाती है। पाठ्यचर्या प्रस्तुत निर्देशात्मक सामग्री किसके द्वारा बताई गई है, तो स्मिथ के द्वारा बताई गई है। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है आपका, तो पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो शिक्षक प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो ऑप्शन डी क्रिएटिव, संकटपूर्ण और रूढ़िवादी। ये सभी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करना है, क्या है, तो उद्देश्य। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, तो बौद्धिक, मानसिक और भाषा का विकास होता है। गणित किट का उपकरण क्या है, तो ऑप्शन है डोमिनोज। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। तो ये कथन किसका था, तो हर्बर्ट डिस्पेंसर का था। इन्होंने कहा था कि जो छात्र की शिक्षा है वो सर्वदा स्थूल वस्तुओं से तथ्यों की ओर होनी चाहिए, ना कि शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से होनी चाहिए। अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोलें, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आगमन विधि पर आधारित होने चाहिए, ना कि निगमन। ठीक। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, कौन सी नहीं है, तो फर्नीचर नहीं है। निम्नलिखित में से, अब देखो जो आपका कल उस क्या कहते हैं फिजिकल साइंस में पेपर आया है ना, उसमें पूछा गया था प्रोजेक्टर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक वही क्वेश्चन था, लेकिन घुमा के पूछ दिया गया और बच्चे उसको छोड़ के चले हैं, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के, बस थोड़ा सा ट्रिक, जितने भी क्वेश्चन थे आप उनमें से ये मान लो कि पढ़ाए हुए क्वेश्चन तो 70-80% थे पेपर में, ठीक हाँ, लेकिन उनमें से 70-80% में भी जो 30-40% प्रश्न थे आपके, वो ट्रिकी थे। ट्रिकी का मतलब जो क्वेश्चन आपने यहाँ क्लास में पढ़ा है उसी वही क्वेश्चन था, लेकिन उसको इस तरीके से घुमा के पूछा कि बच्चों को लगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो आप जरा अगर क्वेश्चन ना समझ में आए, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़िएगा उसको, तब आपको कहीं जाकर के समझ में आएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका आगमन निगमन विधि वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका सूक्ष्म शिक्षण पद्धति वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका खोज विधि वाला क्वेश्चन हो। अब देखो कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आए थे, ICT का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। अब आप समझो कि जो क्वेश्चन हमने आपको तकनीकी परिप्रेक्ष्य में पढ़ाए वो क्वेश्चन उसमें थे, जैसे पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ गया था, जैसे एक्सेल में बच्चों को हम क्या करते हैं मार्कशीट बना के रखते हैं, ये क्वेश्चन करवाया गया वो आया था, है ना। गूगल का एक सर्च इंजन, मतलब ऐसे छोटे छोटे से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब आप ये समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप अगर फिजिकल साइंस या मैथ्स पेडागोजी का पेपर दे रहे हैं, यूनिट 3-4 लगभग सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स की सेम है, मूल्यांकन सबके उसमें, सूक्ष्म शिक्षण सबके उसमें, सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन हर आपको पेपर में मिल सकते हैं, है ना। अब आप उस चीज़ के लिए ये बोलो कि नहीं पढ़ाया हुआ नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ नहीं है, मैंने पूरा एनालिसिस किया तब मेरे को पता चला कि नहीं क्वेश्चंस वही थे, बस ट्रिकी थे, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया था, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिन पे आप अगर, हमने जो आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स बताए थे उन पर अगर ध्यान देते तो भी आपके आंसर सही होने की संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा थी, अगर नहीं आ रहा था कुछ उस बेसिस की बात थी। खैर, तो जो देखो हो गया सो हो गया पेपर। अब आपका जो मैथ्स पेडागोजी, इस पर आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के जाइएगा। थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको एक PDF अभी टेलीग्राम पे भेज दिया है, PG Point टेलीग्राम से, जो बच्चा नहीं जुड़ा है जुड़ जाओ, वहाँ पर हमने एक थ्योरेटिकल PDF भेजा है, तो आप वाला भी PDF पढ़ लेना एक बार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है आपके, तो ऑप्शन बी विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से क्या होता है, तो छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। फ्लैनर बोर्ड किस प्रकार का TLM है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, दृश्य प्रकार का TLM है।
टीएलएम, उसके बाद में क्या है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, तो ऑप्शन बी मानचित्र जो है आपका वो प्रकृति प्राप्त टीएलएम आपका नहीं है। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो छात्र एवं शिक्षक दोनों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है आपका, तो व्यापक होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। मूल्यांकन के मुख्य प्रकार आपके कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, परिणामात्मक मूल्यांकन होते हैं आपके, तो ऑप्शन डी यानी लिखित मौखिक और प्रायोगिक होते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपके देखो लिखित आया था कि भाई ऐसे जैसे होता है निबंधात्मक परीक्षण, उससे आप क्या सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आई थी। गुणात्मक मूल्यांकन आपसे कौन से होते हैं, तो निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सभी मूल्यांकन। किस प्रकार की आपके प्रक्रिया, तो निर्णयात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आपके क्या, चार प्रकार के होते हैं, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र आपका कौन सा होता है, तो व्यापक होता है। किसके अनुसार, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है चतुर्मुखी है, तो पटेल के अनुसार ऐसा है। आप किसी विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, आप कक्षा 8 के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग व्यवस्था का। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीकी नहीं है, तो निबंधात्मक परीक्षा नहीं है। एक गणित शिक्षक की दृष्टि से किस स्तर पर, देखिए आप शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीकी आपकी कौन सी नहीं है, तो निबंधात्मक परीक्षा। नेक्स्ट, एक गणित शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चे के व्यक्ति कौशलों की अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा का विकास, बच्चे के ज्ञान आचरण व प्रगति में होने वाले परिवर्तन का अधिगम का दैनिक जीवन में प्रयोग व व्यवहार में परिवर्तन, उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण आपके क्या हैं, तो साक्षात्कार, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी। उत्तम मूल्यांकन के गुण आपके कौन से हैं, तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गणित शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का स्तर, ये सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य आपका क्या है, तो पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और विद्यार्थियों में उत्तम ढंग से पढ़ाना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। विषय वस्तु का मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, आंशिक और बाहरी दोनों परीक्षण पर। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपका, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, वर्ष में एक बार ही होता है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ आपका क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या कि बालक के त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण से कम फिजिकल साइंस के पेपर में आप ये मान लो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, है ना, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है आपका, तो कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य आपका क्या है, तो दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, कौन से कराए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी यानी अभ्यास कार्य करना, समूह चर्चा करना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना। अध्यापकों को बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे कि आधारशिला बताया है, उपरोक्त कथन ये किसका है आपका, तो हर्ल आर डगलस का है। देखो यहाँ से आपके हमने 108 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अभी रात तक आपको हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो एक इजी नोट्स का प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उसका भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपके क्या क्या, गोल्ड सीरीज और इजी नोट्स पूरा, और उसके बाद में पवन की ये पूरी सीरीज हो जाएगी। कुछ हमने आपको डेफिनेशंस का मैथ्स में वीडियो दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। शिक्षण विधियों का पहले ही देख चुके हैं, ठीक, और थ्योरेटिकल का एक हमने जो PDF आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पे, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके पास जो अगर इजी नोट्स की थ्योरी या बुक अगर ली है, तो बुक की थ्योरी पढ़ के जाइएगा, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और अगर देखो अभी हम आपको बता दें, अब आपका EVS और टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो अगर अभी तक आपने हमारे EVS और तकनीकी परिप्रेक्ष्य का कंटेंट जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिस पर 25% ऑफ कर दिया गया, और अब वो PDF 50 rupees की है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं परचेज किए, तो एक बार परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के सब कुछ जानना है, ठीक है। तो अभी परचेज करेंगे आपको 50 rupees की पड़ेगी, क्योंकि उस पर 25% का ऑफ रखा गया है, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको लगता है कि भाई फिजिकल साइंस में नहीं आया, तो भाई हम क्या ही कह सकते हैं इस विषय में, लेकिन आप ये मान के चलिए जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है,
आपके फिजिकल साइंस के पेपर में भी देख लीजिएगा जब रिजल्ट आ जाए तो 70 से लेकर के 85 नंबर तक किसी से कम नहीं आएंगे। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माई डियर क्लास। बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि एक जो टीचर होता है ना वो सिर्फ प्रयास कर सकता है। NEP 2020 लागू हो चुकी है, आपको ये तक नहीं बताया जाता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, है ना। पेडागॉजी के लिए मैंने आपसे पहले भी बोल रखा था कि आप अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहिए बुक और उन सब चीज़ों से, लेकिन अब आपने क्या किया क्या नहीं किया तो भगवान मालिक है। हम तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी 15 दिन से कम ही समय हुआ था मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करवाने पे। आप लोगों की जिद से हमने करवाई है ना, और उसका परिणाम देखो आज ये हुआ। क्यों? क्योंकि शुरू से नहीं पढ़ा है ना। अभी यही चीज़ आप ज़रा EBS और तकनीकी के एग्ज़ाम में देखिएगा, तब यही बच्चे कहेंगे कि हाँ आया। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी पूरी बुक कवर करवाई है वहाँ पे। खैर, अब जो चीज़ें हैं सो हैं। हम अभी भी यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करवा सकते हैं ना। एग्ज़ाम क्या आने वाला है ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू।